वेलकम गाइज, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन के बारे में। ठीक है, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने सॉल्यूशन यानी कि विलयन वाला डिस्कस कर चुके थे। तो ये आपका चैप्टर थर्ड है, यूनिट थर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा सेल कॉपर इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन करेगा, बताइए। कौन सा सेल कॉपर इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन करेगा। डिफ़िकल्टी हो सकता है आज का ये चैप्टर, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स और आपको सारणीज मिलेगी। तो बताइए ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। सही जवाब आपको बताना है। आई होप आपने टिक लगा दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो ये वाला जो सेल है कॉपर इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन करेगा। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव में निम्न समीकरण के अनुसार परिवर्तन होता है, खींचे तो यह कैसा होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये समीकरण आपके सामने दी हुई है, ये देखिए पार्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा गाइज। आई होप आपने टिक लगा दिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से नहीं होगा, और यहाँ से भी नहीं है, इस तरह से नहीं जाएगा, और इस तरह से नहीं, ये इस तरह से जाता है। ठीक है, चलते आगे की ओर। निम्न में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। अगर आपको नॉलेज होगी सेल्स के बारे में, अभिक्रिया के बारे में, तो आप इजीली कर सकोगे। ई सेल तथा सेल अभिक्रिया के लिए डेल्टा आर जी दोनों विस्तरण गुण है। ई सेल तथा सेल अभिक्रिया के लिए डेल्टा आर जी दोनों मात्रक विहीन गुण है। ई सेल एक मात्र विहीन गुण है, जबकि सेल अभिक्रिया के लिए डेल्टा आर जी एक विस्तारणी गुण है। ई सेल एक विस्तरण गुण है, जबकि डेल्टा आर जी मात्राविहीन गुण है। बताइए कौन सा कथन सत्य है, ट्रू है। सो गाइज, आपने टिक लगा दिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ई सेल एक मात्राविहीन गुण है, जबकि सेल अभिक्रिया के लिए डेल्टा आर जी एक विस्तरण गुण है। चलते आगे की ओर। जब सेल में कोई धारा प्रभावित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर को कहते हैं। जब सेल में कोई धारा प्रभावित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोड के विभव में अंतर को कहते हैं सेल विभव, सेल ईएमएफ, विभवांतर, या फिर सेल ओल्टता, बताइए। आई होप आपने टिक लगा दिया होगा। सही पे टिक लगाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। जब सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो इलेक्ट्रोड के विभव में अंतर को गाइस सेल ईएमएफ बोलते हैं इसको, ठीक है ना, धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तब। ठीक है, चलते आगे और। गाइस, अगर आपको पहले वाले क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि आपके व्यूज़ नहीं आ रहे। कारण बताइए क्यों नहीं आ रहे, ठीक है, क्योंकि पहले वाले देखने वाले की संख्या आती थी 1500-2000 पर डे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि 500-600। ये क्या रीज़न है? आपको पहले वाले चाहिए तो कमेंट करके बता दो, पहले वाले मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर वाइज यही चाहिए तो मैं ये भी आपको अवेलेबल करा दूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताना। ठीक है, निम्न में से किसी सेल के अक्रिय इलेक्ट्रोड के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। यह सेल अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, यह या तो ऑक्सीकरण अथवा अपचयन अभिक्रिया के लिए सत्य प्रदान करता है, यह इलेक्ट्रॉनों के चालन के लिए सत्य प्रदान करता है, यह रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए सत्य प्रदान करता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, उसके बाद टिक लगाओ ऑप्शन में। आई होप आपने लगा भी दिया होगा और सही लगाया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर, यह रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए सतह प्रदान करता है। चलते आगे की ओर।
एक विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अवगर्णी सेल के समान व्यवहार कर सकता है जब ई सेल इजक्ल टू जीरो, ई सेल ग्रेटर देन एक्सेट सेल, ई सेल और एक्सेट सेल यहाँ पर दिया हुआ है किस तरह व्यवहार करेगा। सो सिंपल राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत अवघटनों के विलोम के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। विद्युत अवघटनों के विलोम के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। विलयन की चालकता आयनों का आकार पर निर्भर करती है, चालकता विलयन की श्यानता पर निर्भर करती है, चालकता विलयन में उपस्थित आयनों की विलयन पर योजना पर निर्भर करती है, अपनी चालकता ताप बनने से बढ़ती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, विद्युत अवघटनों के विलयन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि तीन तो सही है बाकी एक गलत है वो आपको बताना है। आई होप आपने टिक भी लगा दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, यानी कि चालकता विलयन में उपस्थित आयनों के विलायक योजना पर निर्भर नहीं करती, ये सही नहीं है। बाकी के सब सही है कि विलयन की चालकता आयनों के आकार पर निर्भर करती है, चालकता विलयन की श्यानता पर निर्भर करती है, चालकता ताप बनने से बढ़ती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है राइट, क्योंकि यहाँ से आपको टिक लगाना है नहीं नॉलेज भी मिल रही है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, ठीक है, कितना सारा आपको ज्ञान मिल रहा है। चलते आगे को, नीचे दिए गए आंकड़ों का उपयोग करते हुए प्रबल अपचायक को घात कीजिए। प्रबल अपचायक आपको घात करना है, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सी एल सी आर सी आर थ्री प्लस एम एन टू प्लस। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड सी आर, ठीक है, प्रबल अपचायक को घात कीजिए। तो जिस जिसका सही था बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसका सही नहीं किया वीडियो को देखने लग जाओ वापस से, रिपीट कर लो आप, सभी को रिकमेंड करूँगा जितने भी वीडियो बनाए सभी को वापस से रिवाइज कर सकते हो आप, रोजाना का वापस बाय एक वीडियो देखना ताकि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि लिखा तो होगा नहीं आपने, तो वीडियो दोबारा से देख लो रिवीजन हो जाएगा। चलते आगे और, प्रश्न आठ में दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से प्रबल ऑक्सीकरण प्रबल आपको ऑक्सीकरण घात करना है, सी एल एम एन एम एन ओ फोर सी आर थ्री प्लस। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, प्रबलतम ऑक्सीकरण, राइट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट, प्रश्न आठ में दिए गए आंकड़ों का प्रयोग करते हुए घात कीजिए कि अपचायक के क्रम का सही विकल्प कौन सा है, विकल्प भी आपसे पूछा जा सकता है गाइस। तो विकल्प आप देख सकते हो यहाँ पे सी आर थ्री प्लस सी एल एम एन टू प्लस सी आर सी आर, यहाँ पर सबसे कम एम एन टू प्लस को कर दिया गया है, उसके बाद सी एल को, उसके बाद सी आर थ्री प्लस को, तो यहाँ से आप क्रम दे के डिसाइड कर सकते हो कि राइट ऑप्शन क्या होगा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड वाला। चलते आगे को, प्रश्न आठ में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करते हुए अपचेत अवस्था में सारुद्धिक स्थायी आयन को घात कीजिए, सारुद्धिक स्थायी आयन को सी एल सी आर थ्री प्लस सी आर एम एन टू प्लस। ऑब्वियसली बात इसका तो ऑप्शन फोर राइट हो जाएगा, ठीक है, जिस जिसका सही है बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है आपका, आठ में दिए गए आंकड़ों के आधार पर सारुद्धिक अस्थायी ऑक्सीकृत स्पीशीज घात आपको करनी है, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, Al2O3 में एक मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा,
1632। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3F। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चालकता सेल स्थिरांक विद्युत अपघटक परिवर्तित करने पर परिवर्तित हो जाता है। विद्युत अपघटक की सांद्रता परिवर्तित करने पर परिवर्तित हो जाता है। विद्युत अपघटक का ताप परिवर्तित करने पर परिवर्तित हो जाता है या दिए गए सेल के लिए स्थिर रहता है। चालकता सेल का स्थिरांक। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, दिए गए सेल के लिए स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है, लैंड स्टोरेज बैटरी लैंड संचालित सेल को चार्ज करते समय PbSO4 एनोड PB में अपचित होता है, PbSO4 कैथोड PB में अपचित होता है, या फिर PbSO4 कैथोड PB में ऑक्सीकृत होता है, PbSO4 एनोड PB में ऑक्सीकृत होता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, PbSO4 एनोड PB में अपचित होता है। अगला क्वेश्चन, के बराबर होगा किसके बराबर होगा। सो इसका राइट ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, नमक के जलियन विलयन के विद्युत अपघटन में कौन सी अर्धसेल अभिक्रिया एनोड पर होगी। नमक के जलियन विलयन के विद्युत अपघटन में कौन सी अर्धसेल अभिक्रिया एनोड पर होगी। बताइए, ये चार ऑप्शन आपके सामने है, इजीली आपको पढ़ना है और आंसर देना है। सही आंसर देना है गाइज, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड वाला। ठीक है, अब आपके 17 में से कितने क्वेश्चन सही है कितने क्वेश्चन गलत है कमेंट करके आपको बताना है, और जो इंग्लिश मीडियम से वो जेकलोन जॉब चैनल को फॉलो कर ले जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको इसी प्रकार के चाहिए या फिर पहले वाले चाहिए कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। सो तो आपको ही बताना है, पहले मैं आपको बता दूं मैं किस प्रकार के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। सो गाइस जैसे आप नीचे GK MCQs MK चैनल लिखा हुआ है उस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, और इसके बाद आपको वीडियो पे क्लिक करना है। ठीक है, ये वीडियो मैंने क्लिक कर दिया, इसके बाद ये देखिए आपके सामने ओपन हो चुका है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो इस प्रकार के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जैसे कि ये हो गए वायरस वाला हो गया, बैक्टीरिया वाला हो गया, ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें हम 4 ऑप्शन रखते थे। ठीक है, पहले वाले इजी थे बट वो तो उस प्रकार के चाहिए या फिर आपको इसी प्रकार के चाहिए, क्योंकि उनमें व्यूज ज़्यादा थे और यहाँ पर व्यूज संख्या कम हो चुकी है ये देखिए, जबकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉलिड स्टेट वाले। ठीक है, तो पहले वाली चाहिए या फिर अभी वाली चाहिए आपको कमेंट करके बताना है।